दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बारकोड वेइंग स्केल है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ। और एक स्टोर में आपने देखा होगा बहुत सारी आइटम होती हैं जो लूज में सेल होती हैं, और उस स्टोर में एक बारकोड लेबल स्केल लगा होता है। उस स्केल पे जब कोई आइटम डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्केल के साथ एक प्रिंटर होता है बारकोड वाला, उसके साथ उसका जो बारकोड लेबल प्रिंट हो जाता है, और उसको हम जैसे ही इधर अपने सॉफ्टवेयर में स्कैन करते हैं ऑटोमेटिकली वहाँ से आइटम और उसका वेट जो आ जाता है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कैसे इंटीग्रेट करनी है ईआरपी सॉफ्टवेयर में, तो ये बहुत ही टेक्निकल है। बहुत सारे जब आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं किसी ग्रॉसरी स्टोर में किसी सुपरमार्केट में, तो वहाँ पे उनका जो मेन क्वेश्चन होता है कि हमारे पास जो लूज आइटम है उनका बारकोड तो हम जो हमारी बैंक स्केल मशीन है उसके साथ ही है, तो वहाँ से निकालते हैं उसको सॉफ्टवेयर के साथ कैसे एंटर करेंगे, कैसे अटैच करेंगे, पहले बारकोड स्कैन करेंगे फिर उसका वेट डालेंगे, ये तो मैनुअल प्रोसेस हो गया, उसकी कंप्लीट ऑटोमेशन कैसे करनी है। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बारकोड लेबल प्रिंटर है, और इस पे जैसे ही कोई आइटम वेट डाल दिया हमने आइटम डाल दी और अभी आप देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है कि इसका जो कोड होता है आइटम का वो यहाँ पे डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली एक बारकोड लेबल प्रिंट हो गया। अभी उसी आइटम को मान के चलो कि शुगर है, हमने यहाँ पे शुगर एक आइटम बना ली, उसका बारकोड लेबल जो हमने यहाँ पे बना दिया, इसको आइटम को मास्टर में जाके आइटम हमने सेव कर ली, उसके बाद पॉज में आएंगे। बस अभी यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी कि हमें शुगर नहीं उठाना, वेट नहीं उठाना, जो बारकोड वहाँ से निकला था वही यहाँ पे आके हमें स्कैन करना है। जैसे ही हम स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आइटम यहाँ पे ऐड हो गई है। तो बहुत सिंपल तरीका है इंटीग्रेशन का, बस आपके पास जो बारकोड लेबल प्रिंटिंग वाला एक स्केल आपको अगर गूगल पे सर्च करेंगे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, और उसका जो बारकोड लेबल है वो यहाँ पे हमने स्कैन करना है। ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है वेट उठा लेता है और ऑटोमेटिकली आइटम उठा लेता है, मतलब ये यूनिक इसका फार्मूला है कि बारकोड वहाँ से उठा लिया, वेट उठा लिया ऑटोमेटिकली स्लिप से उसने, और बहुत टेक्निकल है। आज हमने इस वीडियो में जो सुपरमार्केट में कैसे इसको स्केल को और बारकोड को वेट के साथ कैसे अटैच करना है इसी के बारे में डिस्कस करना था, और बहुत इंक्वायरी आ रही थी हमारे पास इस तरह की। इस तरह से आप ये जो फैसिलिटी है हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर में इसको यूज़ करके आप किसी भी सुपरमार्केट में किसी भी सुपर स्टोर में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके आसपास आपकी सिटी आपकी स्टेट में जितनी भी सुपरमार्केट हैं सुपर स्टोर्स हैं ग्रॉसरी स्टोर्स हैं किराना स्टोर्स हैं उनका आप डाटा निकाल के उन पे मैसेज करोगे और उनको ये वाली फैसिलिटी बताओगे तो डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छी इंक्वायरी जनरेट होंगी इस सॉफ्टवेयर की। और इसके लिए करना क्या है, आपको गूगल से सिंपल यहाँ पे किराना स्टोर ग्रॉसरी स्टोर ऐसे डालना है, और उसके बाद वो डाटा एक्सेल में डाल के ये जो हमारा टूल है व्हाट्सएप वाला इसके थ्रू आपने मैसेज करना है, मार्केट करनी है, ऑटोमेटिकली आपके पास इंक्वायरी आ जाएगी। और सेकंड बात ये है कि हमें जिसको भी देखो हम जैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केट कर रहे हैं अपने बिजनेस की मार्केट कर रहे हैं, हर बंदा आज की डेट में अपने बिजनेस की मार्केट करना चाहता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर के साथ हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट दे दो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो भी कस्टमर्स को अपने बिजनेस के बारे में प्रमोट करें, उनका बिजनेस बढ़े। अगर हम किसी चीज़ किसी पर्सन को कोई चीज़ डिप्लाई कर रहे हैं उसका 100% उनको बेनिफिट मिल जाए तो डेफिनेटली वो 10 लोगों को और रेफरेंस देगा।
अगर हम किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, हम उससे, हमें उससे बेनिफिट होगा होता है, तो हम हज़ारों लोगों को उसके बारे में बताते हैं। इस तरह से हमारी भी एक बिजनेस डॉक्टर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक अच्छे बिजनेस डॉक्टर बनेंगे, अच्छे तरीके से बिजनेस को कंसल्ट करेंगे, डेफिनेटली मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, हर बिजनेस मैन आपको 5 से 10 रेफरेंस देगा। इसी तरीके से हमने प्यार से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस इंडस्ट्री में आगे एक अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट, एक अच्छा बिजनेस डॉक्टर बनना है, ताकि हर बिजनेस में सुधार हो, लाखों लोगों का रोजगार चले, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिले, हर जगह तरक्की, खुशहाली हो। खुश रहो, तरक्की करो। थैंक यू।